हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नए तरीके से चावल के आटे से पापड़ बनाने की रेसिपी, जिसे आप घर में पड़े हुए आटे से भी बना सकते हैं बिना चावल का। और फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है, उसे आपको अच्छे से देखना होगा, नहीं तो आपका चावल का पापड़ जो है बाद में सूखने के बाद वो फट सकता है। तो यहाँ पर एक कप चावल का आटा ली हूँ और इसे दूसरे बर्तन में रख ली हूँ, क्योंकि इसी कप से हमें डालना है पानी। पानी और चावल के आटे का माप जो होता है वह सही होना चाहिए, तभी आपके चावल का पापड़ अच्छा बनके तैयार होगा। तो एक कप हमारा आटा है और इसी कप से यहाँ पर डालूंगी 2 कप पानी। चावल का आटा ध्यान रखिएगा कि नया चावल का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना चावल का जो आटा रहता है उससे चावल का पापड़ अच्छा नहीं बनता। अब इसमें डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और साथ ही मैं डाली हूँ 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा हाथों से क्रश करके डालिएगा। और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर डाली हूँ रिफाइंड तेल, सरसों तेल नहीं डालना है। और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ 1 से 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा, जिससे कि हमारा पापड़ बहुत ही हल्का बनेगा। आपके पास पापड़ खार है तो आप 1 छोटा चम्मच पापड़ खार का भी इस्तेमाल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 कप का मेजरमेंट बता रही हूँ, आप ज़्यादा बनाएंगे तो इसी अनुसार से आप सेट कर लीजिएगा सारी सामग्री को। पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है, इसे 5 मिनट तक अच्छे से खौलने देना है पानी को अजवाइन के साथ, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो पानी हमारा अच्छे से उबल के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें डाल दी हूँ चावल के आटे को और इसी तरीके से ढक देना है, डाल के ढक देना है और गैस को एकदम कम कर देना है, लो कर देना है और इसे पकते रहने देना है। आपका बर्तन यदि पतला तल्ले का है, मोटा तल्ले का नहीं है, तो आप गैस के ऊपर कोई तवा रख दें, उसके बाद इस बर्तन को रख के और आटे को अच्छे से पकने दें। कम पका हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा देर इसे ढक के पकाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसे मिक्स कर दी हूँ, अब वापस से इसे ढक के और अच्छे से छोड़ देना है। जितना अच्छा से ये आटा पका रहेगा, उतना अच्छा आपका पापड़ सॉफ्ट सा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए पानी पूरा अच्छे से आटा में मिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी अलग से पानी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अभी क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। देखिए अभी तक पक ही रहा था हमारा, अभी गैस को बंद की हूँ और बंद करने के बाद इसे ढक के थोड़ा देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसे अच्छे से मसल मसल के सॉफ्ट कर लिया जाए। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हाथ से तो सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है, तो आप इसे किसी भी मथानी से इसे इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से पहले सॉफ्ट कर लें। बहुत ही अच्छा ये चावल का पापड़ बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और भी बहुत सारे पापड़ की वीडियो आपको मिलेगी हमारे चैनल पर, जाके देख सकते हैं। तो आटे को अच्छे से हाथों से मसल मसल के इस तरीके से सॉफ्ट करके और रोटी के जैसे लोई बना लेना है, और इसके बीच बीच में इस तरीके से होल कर लेना है। होल करने के बाद इसे फिर से वापस से स्टीम पर पकाना है। तो फ्रेंड्स चलिए बताती हूँ कि इसे कैसे पकाना है। आप इसी तरीके से 5-6 लोई जितना चाहे उतना आटा का बना सकते हैं, तो छोटा छोटा सा लोई बना के तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई में डाल दी हूँ 1 गिलास के करीब पानी, और इस पानी में डाल देना है ऐसा वाला स्टैंड, आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो आप बीच में कोई भी कटोरी या छोटा सा प्लेट डाल सकते हैं, उसके ऊपर से कोई भी इस तरीके का जाली का बर्तन डाल के उसके ऊपर आप आटे को रख के अच्छे से स्टीम दिला सकते हैं। अब इसमें डाल दी हूँ अच्छे से, अभी अच्छे से स्टीम में पकेगा। इसे पकाने के लिए कम से कम 10 मिनट का टाइम आपको ज़रूर देना होगा, गैस की आंच को कम ही रखिएगा, आराम से इसे पकने दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसे कड़ा नहीं करना, आटा को सॉफ्ट ही रखना है। तो इसके लिए पानी का मात्रा, जब आप आटा पका रहे हो तो पानी का मात्रा सही से दीजिएगा। अब एक तरफ से हो गया, अभी पलट के इसे पका दूंगी। तो दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए इसे अच्छे से पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसे निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। अब इसे मसल मसल के अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है, जिससे कि इसका पापड़ अच्छे से बेल के तैयार कर सकूँ। तो ये बहुत गर्म है तो इस तरीके से इसे मसल के अच्छे से सॉफ्ट कर लेती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि आटा हमारा कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कड़ा नहीं है। कड़ा आपको आटा नहीं चाहिए,
सॉफ्ट ही रखिएगा, तभी जाके पापड़ आपका बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि ये चावल का पापड़ है। अभी आटा हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, आटा को बिल्कुल ठंडा नहीं करिएगा, आटा को गरम गरम ही पापड़ बेल लेना है। यदि आटा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो पापड़ बेलेगा नहीं, वो फट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से आटे को हाथों से मसल लेती हूँ और एक लोई को लेके और बाकी के आटे को ढक के रखना है, जिससे कि पापड़ का आटा जो है बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो। तो मैं इसे ढक देती हूँ, ढक के साइड में रखती हूँ, एक एक करके आपको पापड़ को बेल के तैयार करना है। पापड़ बेलने के लिए यहाँ पर ले ली हूँ पॉलीथीन, कोई भी आप खाली पॉलीथीन जैसे कपड़ा वगैरह में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पापड़ को बेलने। इसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, जिससे कि इसमें पापड़ बिल्कुल भी चिपके नहीं। तेल यहाँ पर डाल दी हूँ, इसके ऊपर से बाकी का पॉलीथीन इस तरीके से पलट देना है, तो दोनों साइड में अच्छे से ये लग जाएगा तेल। अब एक पे डाल दी हूँ आटा, उसके ऊपर से दूसरा पॉलीथीन डाल के अब इसे बेल लेना है एकदम अच्छे से, पतला सा पापड़। बहुत अच्छा से ये बेल के तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है। आप चाहें तो इसे छोटा छोटा सा लोई लेके छोटा छोटा पापड़ अलग अलग से बेल के भी तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से भी आप पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा से पापड़ को बेल ली हूँ, पापड़ एकदम पतला हो गया, बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं होगा क्योंकि ये चावल का पापड़ है, तो बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं होता। आप जितना पतला इसे बेल सकते हैं बेल लीजिएगा, ध्यान रखना है कि पापड़ टूटे ना। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से पापड़ को बेल के तैयार कर ली हूँ, अब इसे कट करना है। तो कट करने के लिए यहाँ पर ली हूँ ग्लास, पापड़ को ग्लास से ही कट करके लूँगी। तो ग्लास का मुँह जो देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा ऐसा है, फैला ऐसा है, तो बहुत अच्छा इससे पापड़ हमारा बनेगा। पॉलीथीन को हटा के नहीं कट करना है, पॉलीथीन के ऊपर से ही आप इस तरीके से निशानी लगा लें। आप पॉलीथीन को हटा के और पापड़ को निकाल लेना है, बहुत अच्छे से पापड़ आपका बनके तैयार होगा। इस तरीके से बनाने से ये होगा कि पापड़ एकदम एक साइज का बनेगा, गोल गोल सा बनेगा, बहुत ही अच्छा, कोई झंझट नहीं रहेगा कि इसका किनारी टूट गया या फट गया, कोई भी झंझट नहीं रहेगा। और बचा हुआ आटे को वापस से इसी तरीके से पापड़ बेल बेल के आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इतना छोटा छोटा सा लोई लें और छोटा छोटा सा पापड़ बेल लें बिना कट किए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारे पापड़ को बना के और डाल दूंगी धूप में। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा पतला सा पापड़ बना है हमारा। इसमें सिर्फ अजवाइन डाली हूँ, आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी मसाला इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे पापड़ को बना के डाल देती हूँ धूप में। जब हमारा सारा पापड़ बन के सूख जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी पापड़ कैसा बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पापड़ हमारा बनने के बाद, सूखने के बाद कुछ इस तरीके का बना है, लग रहा जैसे बिल्कुल आलू का चिप्स हो। तो चलिए फ्रेंड्स, पापड़ को फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद इसमें डाल देना है पापड़ को। तो देखिए पापड़ तेल में जाते ही कितना अच्छा से फूला है, और ये छोटा छोटा है तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हमारा पापड़ बन के तैयार हुआ है। एक दो पापड़ और फ्राई करके दिखा देती हूँ। और इस पापड़ को आप लंबे समय तक रख सकते हैं, और इसे सुखाने के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि धूप में ही डालना, आप इसे पंखे के हवा में सुखा सकते हैं। चावल का पापड़ है, बहुत जल्दी सूख के तैयार हो जाता है, सारे पापड़ से जल्दी चावल का पापड़ ही सूख के तैयार होता है। फ्रेंड्स, 2 से 3 दिन तक अच्छे से सुखा के आप डब्बा में स्टोर कर लें, और इसे आप चाय के साथ ले सकते हैं। ऐसे भी हम लोग दाल चावल खाते हैं तो पापड़ चाहिए ही होता है, तो उसमें भी आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा उजला उजला सा पापड़ बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पापड़ वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर बनाएंगे, बहुत ही खास्ता, बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।